हर महादेव। तो गाइस मैं हूं कौशिक पटेल और आप देख रहे हैं बाइसाइकिल ब्लॉग। तो आज है मेरी यात्रा का 63वां दिन और मैं रुका था उत्तराखंड के होमगार्ड पुलिस है उनके साथ। जब सुबह उठा तो कह रहे 20 होमगार्ड्स थे आपकी सिक्योरिटी में। और ये सुन के तो दिल खुश हो गया, बहुत ही अच्छी नींद आई और काफ़ी बढ़िया लोग थे, खाना वाना खिलाया। अभी सुबह भी खाना वाना खिला के भेज रहे हैं मुझे मस्त। अभी चाय नाश्ता हो गया और उसके बाद कल हमें शाम को ना पूरी खाने को मिली। हमारी यात्रा में पहली बार हमने पूरी खाई, गुजरात में ज़्यादा खाते हैं हम वैसे पूरी। वैसे ऑयली फूड में ज़्यादा खाता नहीं लेकिन भूख लगी थी तो अच्छा खा लिया ऐसा लग रहा है उसके बाद। और कल मैं जहाँ रुका था मतलब मैं वहाँ मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि वो अच्छा नहीं लगता, जैसे कि ये सिक्योर जगह है, यहाँ पर ऐसे पब्लिक्स को नहीं दिखा सकते। अगर आप साइकिल से आ रहे हो तो आपको भी रुकने देंगे। डामटा चेक पोस्ट पर ही है, सभी बहुत ही अच्छे हैं, कोई भी आप अधिकारी से मिलो आप बेफिक्र होके रह सकते हो। और यमुनोत्री की दूरी है यहाँ से 86 किलोमीटर, बर्डकोट है 40 किलोमीटर। आई होप आज हम बर्डकोट पहुँच जाए। अगर रास्ता अगर सीधा रहा, चढ़ाई नहीं रही ज़्यादा तो बहुत ही मस्त रहेगा। कल तो हम यमुनोत्री पहुँच जाएंगे और ब्रेक्स का कुछ करना पड़ेगा, आगे के ब्रेक्स भी अभी ख़राब हो रही है धीरे धीरे। बस अभी बने हुए ब्लॉग के साथ, जय श्री महाकाल, जय माता जी। तो अबड़ी धन्नो कुछ इस तरह से जा रही है, रास्ता है वो ये है, व्यू है वो कुछ ये हो रखा है। मैंने सर को बताया, मैं वो कह रहे हैं ब्रेक्स तो फेल है, वो कह रहे हैं थोड़ा संभाल के आराम आराम से जाना क्योंकि 200 से 250 मीटर की खाई है, कोई ढूंढने वाला भी नहीं मिलेगा गिरेंगे तो। अभी तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, टू है, टू वे है तो बहुत ही मस्त है। और आज सुबह सुबह मैंने जल्दी स्टार्ट कर दिया और वहाँ पर क्या दिक्कत ये पता है, 6:30 बजे तक पानी आता है तो सब फटाफट उठ के नहा लेते हैं, तो मैंने भी ऐसा ही किया, जल्दी से उठ गया और नहा लिया। तो मस्त लग रहा है, रास्ता है बहुत ही बढ़िया है। कल मैं वहाँ से आया, मैंने 1 किलोमीटर तक मुझे पीछे जाना पड़ा कल। देखो ये खड़ी चढ़ाई है या बैठ के चढ़ा रहा हूँ, पहाड़ों में गियर वाली ले आना। तो इस साइकिल के बारे में बता देते हैं आपको, कार्डिक की है। अगर आप इसमें 7 गियर वाली लेते हो तो आपको ये 9,000 में पड़ जाएगी और 21 गियर वाली होगी तो 11,300। अभी क्या प्राइस चला है वो नहीं पता, मैंने ऑफर देखते रहना, सस्ते में मिल जाएगी तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। इसमें एक और भी आती है 26,000 की, वो लेनी थी, कोई नहीं नेक्स्ट टाइम वही लेने वाले हैं। अभी ये नॉर्थ कंप्लीट करते हैं उसके बाद बजट रहा तो हम वही प्लान कर रहा हूँ मैं, कोई अच्छी सी और वो बढ़िया रहेगी, डेकैथलॉन से लेने वाले हैं या फिर से कार्डिक ही लेंगे। वैसे साइकिल बहुत ही बढ़िया है, मुझे अच्छी लगी। बस अभी बने रहो ब्लॉग के साथ, जय श्री महाकाल। लड़के खाना नाश्ता हो गया, हो गया भाई के साथ।
तो मैं गुजरात। हाँ ठीक है। अच्छा ये भी चला रखा है? ये भी चल रहा है आपका, बन रहा है। हाँ कैमरा है। सही रहा सफर? सही रहा। रात का तो बहुत हुआ। अभी देखो मैं जहाँ तक पहुँच पाऊँ। अभी कोई धाम नहीं पहुँचा? अभी जैसे मैं तो चला हूँ गुजरात से, चला राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल। होके तो अभी हिमाचल, हरियाणा होके हिमाचल गया, उसके बाद जम्मू कश्मीर, ले लद्दाख। इधर होया? हाँ ऐसा पूरा सर्कल लगा रहा हूँ ना। ठीक है भाई, बेस्ट ऑफ लक। ओके थैंक यू। हाँ ऑल इंडिया हमें भी सौभाग्य मिला तेरे साथ एक रात। ठीक है एंजॉय कर भाई। ओके ओके। मिलेंगे कभी? हाँ बाबा ने चाहा तो पक्का। आप तो उसमें ही मिलेंगे। किस पे? यूट्यूब पर, तुम्हारे चैनल पे। नहीं नहीं वापस आऊँगा ना। हेलो आया बताया नहीं चैनल नाम तो? यही है बाइसिकल राइडर व्लॉग। क्या भी? क्या कैमरा है? ऑन है? ऑन है हमारा। सही है, तुम पूरी सेटिंग में कर रहे हो। सही है। कितने का है ये? 9000 का। मोनेटाइज हो गया चैनल? नहीं नहीं अभी वॉच टाइम बाकी है मेरा। अभी क्या टारगेट लगाइए, कितने दिन तक, कितने दिन तक? अभी जैसे मैं गुजरात से निकला तो मैंने गुजरात पूरा स्किप कर दिया था। अच्छा। तो मैं गुजरात से सीधा निकल गया राजस्थान, राजस्थान में घुमा पुष्कर, विराटनगर, खाटू श्याम, इसके बाद में हरियाणा, फिर पंजाब, जल्दी सर जल्दी सर, फिर जम्मू कश्मीर और लद्दाख के और निकल गया। ऊपर गए? हाँ ऊपर निकल गया। और अभी उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद अगर वक्त रहा तो अयोध्या, वरना मैं सीधा मध्य प्रदेश निकल जाऊंगा, उसके बाद गुजरात, उसके बाद थोड़ा रेस्ट करके पूरा गुजरात का सर्कल करना है, उसके बाद सर्दियों में मैं जाऊंगा साउथ की ओर, नीचे कन्याकुमारी, वहां से ऐसे सर्कल लगा के आऊंगा उड़ीसा से, उड़ीसा तक 4 महीने का और हो जाएगा फिर से। कैसे मिलेगा हमें खर्चा पानी? कैसा हो रहा तुम्हारा? ऐसे सब हेल्प कर रहे हैं। और खाना पीना? खाना पीने का ही है। ये भी कहीं भी ब्रेक रिपेयर हो जाएगी आगे कहीं पे होगा साइकिल स्टोर? तो बड़कोट में, आगे मार्केट में पर है इसका, बड़कोट में तो कोई नहीं। ब्रेक फेल हो गई है। आराम आराम से चलाना। हाँ आराम आराम से ही जा रहा हूँ, इसलिए यहाँ तक अटका हूँ। तो सुबह का सफर पहाड़ियों के साथ बहुत ही मज़ा आ रहा है आज। आज थोड़ा मैंने जल्दी स्टार्ट किया ना, और वैसे धूप है लेकिन ठंडा है मौसम, तो जैकेट वैकेट लगा के काफ़ी बढ़िया चल रहा है सफर। देखो बहुत ही खुशी हो रही है, श्वास है वो तो थोड़ी थोड़ी चढ़ाई चढ़ा रहा हूँ ना तो फूल रही है, इसमें थोड़ा ऑयलिंग भी करवाना पड़ेगा ऐसा लग रहा है। कितना जाना है? देखो ये पूरा नीचे तक हमें जाना है, नीचे जाना है फिर ऊपर चढ़ाना है, बस यही चलता रहता है यार यहाँ पर तो। बने रहे ब्लॉग के साथ, जय श्री महाकाल। तो गाइस मैं वहाँ से ऐसे आ रहा हूँ, पीछे देख के देखता हूँ तो यकीन नहीं होता कि मैं उस रास्ते से आ रहा हूँ। कितनी खुशी होती होगी जब ऐसे कामयाब होते हैं, ऐसे पूरा वहाँ से पहाड़ी चढ़ा के, पहाड़ देखो उत्तराखंड, और बड़े बड़े पहाड़ पे भी गांव बसे हैं। कल हमें जो ब्रिजेश सर मिले थे उन्होंने बताया, मैं तो यहाँ पे सब घूम चुका हूँ पहाड़ी एरिया, तो बहुत ही अच्छा लगा उन सबसे मिलकर, बहुत ही दिल खुश हुआ, बहुत ही मस्त बंदे थे, बहुत ही उत्तराखंड के होमगार्ड्स बहुत ही अच्छे हैं, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। पहले ही दिन मतलब चौथे तीसरे दिन पे हमें बहुत ही बाबा की कृपा से बहुत ही अच्छे लोग मिल रहे हैं, बस बाबा ऐसा ही कृपा बनाए रखे, जय श्री महाकाल। और अभी हमें उतरना है, हमारा चैलेंज यही आज ऐसे घाट उतरते उतरते जाना है ना, वो बहुत ही बड़ा चैलेंज है आज हमारे लिए। जब तक ब्रेक रिपेयर नहीं होते तब से चैलेंज, खतरों से भरा रास्ता है हमारा। तो बस अभी बने रहे ब्लॉग के साथ,
जय श्री महाकाल। तो गाइस उतराए आ गए, स्पीड नहीं क्योंकि बहुत। तो गाइस ये कुछ चढ़ाई है यहाँ की, यहाँ से हम आ रहे हैं नीचे से। आपका भाई यहीं पे बैठा है और अभी आपको दिखाते हैं खाई यहाँ की, देखो कितनी बढ़िया। वहाँ से और ऐसे पहाड़ रास्ता ये जा रहा है, थोड़ी देर आराम करेंगे उसके बाद निकलते हैं, बने रहे ब्लॉग के साथ। तो गाइस साइकिल चलाते चलाते आपका भाई आ चुका है ये गुफा के पास, देखो ये गुफा है, क्या होगा अंदर, बहुत ही बड़ी है वैसे तो। अभी अंदर वहां तक ही है, बस अंदर अंधेरा है, हमारे पास टॉर्च है नहीं कि हम जा सके, ऐसा ज्यादा कुछ है नहीं, बस वहां तक अंदर खोल के रखा है। मतलब आई होप कि यहाँ से ऐसे रास्ता बना रहे होंगे तो ये इतना तक इन्होंने किया होगा, उसके बाद यहाँ से रास्ता निकाल दिया, तो यही होगा कुछ यहाँ का रीज़न। और अपनी धनों देखो मस्त खड़ी है यहाँ पर, बस वही है रास्ता निकालने के लिए होगा, कुछ ऐसा ही हो सकता है या कोई और रीज़न होगा वो हमें पता नहीं। अभी भी हम उतर रहे हैं नीचे, तो और हमें जाना है नदी के बहाव के साथ इस तरफ, काफ़ी मस्त लग रहा है यहाँ से देखो, तो वहाँ से ऐसे होते हुए आ रहे हैं हम पहाड़ी पहाड़ी से। ब्रेक बन जाए उसके बाद सही है, उसके बाद मज़ा आएगा। तो बस अभी बने रहे व्लॉग के साथ, जय श्री महाकाल। भाई सभी की जो ढलान है वो कुछ ज़्यादा ही लग रही है मुझे, है तो सही। एक ब्रेक से चलना यहाँ पे, आज यही ठहरो आराम से। दोपहर हो गए, दोपहर के बाद निकलना, आज बड़कोट पहुंचना है, आज पहुंच जाऊंगा ना। बड़कोट अभी 20 किलोमीटर है, 20 किलोमीटर। अभी मैं सुबह निकला था 9 बजे, कहाँ से? डामटा से यहाँ तक चला ली, 25 तो हो गया होगा, 18 हुआ। जैसे वहाँ तो था 42-47 जैसे किलोमीटर, 18 ही हुआ। जैसे वहाँ पे पॉल लगा था 40 किलोमीटर का, मैं 3 किलोमीटर आया उसके बाद, तीन तो मैंने अभी तो 20 किलोमीटर है ना, तो 23 किलोमीटर तक तो मैंने काट ही दिया। 18 किलोमीटर आगे और 22 किलोमीटर जाना, 22 जाना है। चाय बना दी, चाय कैमरा है, ये रिकॉर्ड करता जा रहा है। हाँ, हमारा होटल भी रिकॉर्ड हो गया। हाँ आप भी अभी आ रहे हो, कुछ कहना चाहते हो? तो अभी अभी मैं जा रहा था और अंकल जी ने रोक लिया, हमारी जैसे अभी बातचीत हुई सब रिकॉर्ड हो रहा है यहाँ पर, जो हम बात, हाँ बात की हमने। कहना क्या, अभी कुछ ध्यान रखना, ये भी बोले की भक्त का वो है छोटी सी बहन, हाँ हम भी बोले कि माता रानी के पुजारी हैं, वो देखो अंदर थोड़ा फोटो चला जाएगा, अंदर को घूम जाओ लगा के सारे को चला जाएगा। इधर भोले बाबा की तस्वीर है, चौहान ट्रस्ट लॉज है ना, चौहान भोले बाबा की तस्वीर इधर भी है, ये मूर्ति इधर, हाँ जय भोलेनाथ, एक इधर बनी हुई है, पूरा होटल में भोलेनाथ है, अभी भोलेनाथ की पुजारी। जय मां, जय भोलेनाथ। कितने साल से आपकी लॉज, कितने साल से आपकी लॉज?
हमको हो गए महाराज कोई 20-22 साल। 20-22 साल बहुत ही अच्छा। ये जिस साल आप आई उस साल उद्घाटन करा था 2013। हाँ 2013 में इसका ओपनिंग हो गया, चालू कर दिया। तो गाइस अभी मैं यहाँ पर रुका हूँ रेस्टोरेंट के पास और ये भैया अभी आ रहे हैं। यहाँ पंछी है बहुत सारे यहाँ पर। ठीक है मुर्गी है। कितने का बेच रहे हो एक मुर्गी के बच्चे? तो ये क्या कलर कर रखे? कलर कर कैसे, मतलब कलर कैसे? कहाँ से आ रखे हैं? मैं गुजरात से। कौन सी जगह? नवसारी। साइकिल से जा रहे? हाँ साइकिल से। क्या गुजरात से ही साइकिल? हाँ गुजरात से ही साइकिल। कितना टाइम हो गया चलेगा? 2 महीना। तो मुर्गी के बच्चे हैं, कितने में बेच रहे हो एक? ये 20 रुपए का है। एक 20 रुपए का? चार नहीं, हम 20 बच्चे निकालेंगे। तो ये कलर कैसे करते हो? चार नीचे के चार ऊपर के। कलर कैसे लगा रहे? तो हाथ से लगा। हाथ से लगता है। स्प्रे कर दो, स्प्रे से। हाँ। तो गाइस हमारा दोपहर का खाना चावल सब्जी दाल बहुत ही बढ़िया है। जय श्री मंगल। तो ऐसे मस्त ऐसे नींद के साथ ख़त्म हो गई हमारी नींद और अभी हम चल दिए हैं दोपहर नहीं हुई है, 4 बज चुके हैं। तो 4 बजे फिर से हमने राइड स्टार्ट की है और रास्ता वो कुछ ये है, हमें यहाँ से ऐसे वहाँ तक जाना है घूम के पहाड़ी, ये रिवर बैरी है। वैसे आगे से रास्ता सीधा ऐसा कह रहे हैं, अगर सही है ऐसे सीधा रहा तो बहुत ही मस्त होगा, मज़ा आएगा चलाने में। तो बस अभी ये पहाड़ी एरिया जल्दी से जल्दी क्रॉस करते हैं। बने रहे ब्लॉग के साथ। जय श्री महाकाल। तो गाइस व्यू है वो काफ़ी मस्त हो रखा है, ये देखो पूरा पहाड़ी रास्ता वन वे। गाइस अभी मैं हूँ बड़कोट के रास्ते पर और हमें ये भैया लोग मिले हैं यहाँ पर। हेलो भाई, क्या नाम है आपका? अजय। अजय और यहाँ पर भी है सब। क्या नाम है आपका? मकेंद्र राणा। धीरेन्द्र राणा सर। अभी बड़कोट कितनी दूर है यहाँ से? बड़कोट सर यहाँ से 2-3 किलोमीटर ही है। 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर। ठीक है। नौ गुण है। ये हमारी छह है। उल्टू तो बोलने ये साम 3 किलोमीटर है। 9-3 किलोमीटर है। ब्रेक एक ही चल रही है? अरे ये लड़के लोग ये क्या कर रहे हैं? हेलो 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 अखबार में डाल दो, चले गए बोले ये। मिलता ही कहाँ यहाँ पे, कुछ मिलता ही नहीं पहाड़ी पे। क्या यहाँ पे कुछ मिलता ही नहीं साइकिल का? तो हाँ वही कह रहा हूँ, ये तो कहाँ पर नहीं मिलता है। भरकोट ठीक है, रिलैक्स करो। सुबह 3-4 बजे निकल, 3-4 बजे उजाला हो जाता है।
गाड़िया ये देखती कहाँ है, पीछे से भी आती है आगे से भी आती है। मैं तो साइड साइड में उतार देता हूँ तब जाके ब्रेक नहीं लगती ना, इसलिए मिलता ही नहीं यहाँ पूरा। ऐसे में आया हर गांव से, कोई गांव में मिल नहीं रहा ना सामान, जैसे कि ये पूरा अंदर का घिस चुका है, ये मिलती नहीं। जैसे अभी जैसे हवा कम होगी इसमें है, पंप वगैरह तो है मेरे पास, इसलिए वो कोई दिक्कत। पंचर का भी सामान है, बस ये ब्रेक ब्रेक वाला रखना भूल गया। व्लॉग ही बन रहा है ऐसा सर। कैसा लगा, बढ़िया है? हाँ बहुत अच्छा लगा। अच्छा इसका स्टैंड का है? स्टैंड तो वहाँ कहाँ गया। जय श्री महाकाल। तो गाइस हमारा उत्तराखंड का डे 4 का स्टे हो रहा है, ये रिसोर्ट है और ये बया लोग हमें मिले हैं। जय महाकाल। जय महाकाल। जय यमुनी मैया। जय यमुनी मैया। जय केदारनाथ। जय गंगा मैया। जय गंगा मैया। जय केदार बाबा। जय केदार बाबा। और अपनी तनों यहाँ पर है, रात स्टे हम यहाँ पर करने वाले हैं, तो आपको ओनर से मिलाते हैं। ये बहुत ही मस्त रिसोर्ट है वैसे। तो ओनर साहब है, जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। और आपको रिसेप्शन से मिला देते हैं। कैसे भैया? बढ़िया सर। बढ़िया, तो बता दो अपने होटल के बारे में कुछ। हमारा ये पाइन वुड रिसोर्ट एंड रेस्टोरेंट करके होटल है, नॉर्थ बॉम्बर कोर्ट में, यमुनोत्री रोड पे। आप जब भी आप चार धाम यात्रा करें तो प्लीज यहाँ पे अपना स्टे करने का वो करें। तो आप ऐसे रूम की प्राइस वाइज कुछ ऐसे बताते हो कि आप वैसे ही कुछ? सर रूम का जब सीजन का अलग होता है, ऑफ सीजन का अलग होता है यहाँ पे ना। हाँ वो भी है। इसमें हम लोग थोड़ा सा जो भी होगा आप आएंगे तो ऑन टेबल ऑन उस पर भी कंसेशन हो जाता है। ओके। ताकि आपका ग्रुप ग्रुप का भी आपका चार्जेस जो भी होगा आप आओगे एक बार बात करोगे तो हम कर देंगे। बहुत धन्यवाद। और क्या रूम लोकेशन? तो यहाँ का लोकेशन कुछ ये है, बारिश के मौसम में तो बहुत ही सही रहता होगा ना। बारिश कब होगी यहाँ पे? बारिश अभी 3-4 दिन पहले ही हुई है। 3-4 दिन पहले ही हुई है। तो होटल तो गाइस बहुत ही मस्त है, और भैया का होटल भी है, हम वहाँ पर भी जाएंगे थोड़ी देर में। आपका कहाँ पर है, कितनी दूर है होटल आपका? पड़ोसी है। पड़ोस में। हाँ जी। वही होटल होटल हिमालयन हार्ट्स। होटल हिमालयन हार्ट हार्ट्स जी। फैमिली रेस्टोरेंट। फैमिली रेस्टोरेंट बहुत ही बढ़िया। होम स्टे रेस्टोरेंट। तो बाबा केदारनाथ की कृपा से हम बहुत ही अच्छी जगह पर रुके हैं आज। वह लोग कह रहे हैं शाम का खाना वाना हम हो जाएगा, रुकना है रुक जाओ, तो बहुत ही बढ़िया। आज का स्टे हम यहीं कर रहे हैं इन पहाड़ों के साथ। तो ये है पाइन वुड रिसोर्ट एंड रेस्टोरेंट, बाहर से व्यू कुछ ये है। बहुत ही बड़ी बिल्डिंग है, वाव। चलो बहुत ही अच्छी जगह रुके। मैं तो सोच रहा हूँ शाम को ये जो ऊपर बना हुआ है वहीं पे सो जाऊँगा मस्त। बाहर नींद बहुत अच्छी है आती है यहाँ पर, बाहर सोने में मुझे बहुत ही पसंद आया। पहाड़ी एरिया पूरा, वाह। अच्छा बनाए ब्लॉग के साथ, अभी आगे का हाल थोड़ी देर में बताते हैं आपको। हिमालय की मालिक तो अनसूरिया। हाय कर दो। हाय 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 कर दे। हाय। नाम क्या है आपका? नाम क्या है, नाम बता दो आपका। अनसूरिया। बहुत ही प्यारी बच्ची है। और ये है एक शरारती बच्चा यहाँ पर। मैं हूँ चकोल शहर का, अपने जीजू के साथ हिमालय में होटल में। और कुछ बताओ क्या होता है वहाँ? भी बर्फ भी पड़ती है हमारे यहाँ, बारह मास बर्फ पड़ती है। टूरिस्ट चलते हैं, केदारकांटा हरकीदून देव क्यारा। हरकीदून और केदारकांटा दोनों ट्रैक चलते हैं। दोनों ट्रैक किसके बाद? 5 साल के बाद चलेगा देव क्यारा में।
और बता अपनी गाँव के बारे में बता, हमारी गाँव में ये समस्या है, बता बता जंगल के बारे में। आपको मुझे आपको ना आपको हमारे पीएम मोदी जी देख रहे हैं, बताओ क्या बताना चाहते हो? हमारे गाँव में रोड बढ़िया से नहीं जा रहा, कोई रोड गायब हो जाती है, सुबह देखते हो रोड गायब टूटी हुई है, हमारे गांव में रोड बहुत दूर है, समस्या है, पेंटिंग नहीं हो रखी रोड से। मैं ऐसे क्षेत्र से आया हूँ कि जहाँ पे बिल्कुल ही कुछ नहीं है, जहाँ विकास नहीं हो रखा, बोल हमारे गांव में कोई विकास ही नहीं हो रहा, विकास नहीं हो रखा। हमारा विधायक दुर्गेश लाल है, हमारा विधायक दुर्गेश लाल है, उसको उसने कुछ नहीं कर रखा, हमने क्षेत्र में वो तो नेटवर्क नहीं ला पा रहा है। हाँ नेटवर्क की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, नेटवर्क की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, भाग्य रहा जो भाग्य रहा, नेटवर्क की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, सबसे पहले नेटवर्क की प्रॉब्लम है, हमारे उसके बाद सड़क की, सड़क पे पेंटिंग नहीं हो रखी है, हमारे यहाँ के साल विधायक है काम नहीं करवाया है, कमियाँ बहुत आ रही है, लेकिन जब सड़क सड़क पे गाड़ी चलती तब ऊपर नीचे होती रहती, बड़ी दिक्कत हो रही, गुलबर खड्डे हो रहे हैं, खड्डे हो रहे सड़क पे, खड्डे हो रहे हैं। तो भैया का कहना यह है कि शाम को ये सोते हैं तब सड़क होती है, और सुबह होते सड़क गायब हो जाती है ना। तू बोलना चाहती है? डोली जा रही है, तो ये कहाँ से चल के जाएगी फिर से? ये हरिद्वार से आएगी, हरिद्वार से आएगी स्नान करके, तो अभी अभी डोली गई है, पानी उसके बाद। तो कैसा जीप बंद है, देखो पकड़ पकड़ के वीडियो में ले रहे हैं सबको। जय श्री महाराज। तो गाइस आपका भाई मस्त अभी नाम आके रेडी हो चुका है, मस्त फ्रेश हो चुके हैं, और हमने अपने कपड़े भी धो के सुखा दिए हैं, सबसे बोरिंग काम है ये कपड़े धोने का। देखो व्यू है वो कुछ ये है, अभी बज रहे हैं शाम के 7:30, ट्रैवल्स वगैरह सब चल रही है, वैसे तो बहुत ही बढ़िया है। अभी हमारा स्लीपिंग बैग और कुछ सामान पैक में पड़ा है, वो लेके आते हैं, तो चलिए। तो ये हम आ गए रास्ते के ऊपर, और स्लीपिंग बैग ले लेते हैं, बाकी का सामान तो वैसे यहीं रहेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। बढ़िया, क्या कर रहे हो? हाँ नहीं नहीं वो तो बस ये स्लीपिंग बैग लेना है, दूसरा सामान साइकिल पर रहेगा, कोई नहीं ना। ठीक है ठीक है।